तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे वक्त से लगातार चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों के साथ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से एक्शन टेकन रिपोर्ट भी भेजने को कहा है। आयोग ने पत्र में लिखा है कि आरोप है कि किसान आंदोलन की वजह से करीब 9000 माइक्रो, मीडियम और बड़ी कंपनियां प्रभावित हो रही हैं। परिवहन व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से बुजुर्गों, दिव्यांगों को यात्रा में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबे रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आयोग की ओर से जारी पत्र में ये भी कहा गया है कि धरने पर बैठे किसान कोरोना नियमों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने अपने पत्र में ये कहा है कि किसान अपने अधिकार के तहत ही प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं और वो जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं उसका सम्मान किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि लंबे वक्त से किसान दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ डटे हुए हैं और किसानों का ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तीन नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत भी हुई है, लेकिन वो बेनतीजा ही रही है। स्काई न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट।